मध्य प्रदेश में भी नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच आज कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश के अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अफसरों की कुंडली तैयार कर रही है, पार्टी सभी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बना रही है। साथ ही कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर पूरा हिसाब किया जाएगा। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को जिंदा नहीं रहने देना चाहती है, पैसे और तंत्र के दम पर बीजेपी सत्ता चाहती है। देश की जांच एजेंसियों को गुलाम बनाया जा रहा है। तो वहीं चिकित्सा और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जीतू पटवारी ने ईडी की निष्पक्षता प्रमाणित कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है कांग्रेस, कांग्रेसी नेता एसी कमरे में बैठकर दबाव की राजनीति कर रही है। कांग्रेस का बयान फ्रस्ट्रेशन भरा है। देश में नगरी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव संपन्न हुए और जो नजारा मध्य प्रदेश की और देश की जनता ने यहाँ के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से देखा वो अपने आप स्पष्ट चिल्ला चिल्ला कर गवाह दे रहा है इस बात का कि देश में नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान लोकतंत्र को जिंदा नहीं रहना देना चाहते। लोकतंत्र कैसे मर जाए, वोट का अधिकार कैसे लोगों के हक से छीन जाए और आने वाले समय में सिर्फ पैसे के दम पर, तंत्र के दम पर, इंस्टीट्यूट के दम पर सत्ता पे काबिज हो, इस तरह का षड्यंत्र पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिला। जीतू पटवारी जी, देखिए मन की बात, सच्चाई तो जवान पर आ ही जाती है। तो जो जीतू पटवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं उनको बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ईडी की निष्पक्षता प्रमाणित कर दी। यदि ईडी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 10 वर्ष बाद कोई कार्रवाई की है तो यह इस बात को पूरी तरह प्रमाणित करता है कि जब सबूत मिले, जब तथ्य मिले, तभी उन पर कार्रवाई हुई है। इस सरकार ने देना चाहिए लक्ष्य,